हेलो एवरीवन, आज हमारा बहुत एक स्पेशल डे है। ठीक है, तो हमारा चैनल पे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने ही वाला है, थोड़ा सा रह गया है। ओके, जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा तब तक तो 4000 क्रॉस करके कुछ और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4000 का स्पेशल वीडियो मैं आज शूट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो यही है। आज का जो टॉपिक मैं चूज़ किया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, वो है टाइप सी के बारे में। टाइप सी के बारे में मैंने ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो दो पार्ट में मैं बनाऊँगा। पहले पार्ट में आपको थ्योरी ज़्यादा मिलेगा, सेकेंड पार्ट में आपको जो स्विचिंग वगैरह है, जो आपका प्रैक्टिकल है, जो आपका प्रोटोकॉल्स वगैरह है, ठीक है, वो सब देखने को मिलेगा। ओवरव्यू मैं ज़रूर वीडियो के शुरू में जब चालू करूँगा वीडियो तब मैं दे दूँगा। तो ये वीडियो बहुत ही मेरे लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वीडियो है, और आप सभी के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जस्ट मुझे जो टाइम है वो मुझे दो, मेरा ज़िम्मेदारी है आपको सिखा देना। ठीक है, मैं ऐसे वीडियो को बनाना चाहता हूँ जिससे आपको, आप सभी को जो बिगिनर है, जो थोड़ा बहुत जानता है, सभी को इसके बारे में एक ओवरऑल नॉलेज मिल जाए। जब भी हमारे पास वैसा कोई केस आए तब भी हमें कैसा अप्रोच से आगे बढ़ना है, ये सब के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैंने नोट वगैरह प्रिपेयर कर लिया है। ईच एंड एवरी टाइम मैं ऐसे ही करता हूँ, जो नोट प्रिपेयर किया हूँ वो जो वीडियो में दिखाया जाएगा उसका पूरा PDF आपको लिंक में ज़रूर मिलेगा। आप जाओ डिस्क्रिप्शन में चेक करो, उधर पे आपको पूरा मेरा जो खुद का बनाया हुआ नोट है वो आपको मिल जाएगा, उधर से उसको डाउनलोड कर लो और आपके पास प्रिंट आउट एक रख लो। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मैं इधर पे दिखाऊंगा, जो भी मैं इधर पे बोलूंगा, वो हो सकता है कोई पॉइंट आपको अच्छा लग जाए जो आपको नोट डाउन करना इजी है। सो आप क्या करो, एक आप भी कॉपी एंड पेन लेके बैठ जाओ, जो अगर ऐसा कुछ मिल जाता है जो लगता है हाँ भाई इसे आपको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है, बिकॉज़ वो नोट में नहीं लिखा है, मैंने जस्ट नॉर्मली बोला है, तो आप ज़रूर उसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो सभी को दिल से शुक्रिया 4000 सब्सक्राइबर के लिए। मैं हाथ जोड़ के सभी को बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच ब्रदर्स। सो आपने इतना बड़ा मेरे लिए एक खुशी का दिन बना दिया, मैं आप क्या बताऊँ। ये तो मेरा जस्ट आपको मैं नॉर्मल बताऊँ तो ये ड्रीम में था मेरा। ठीक है, अभी हमारा जो चैनल है वो 11 मंथ्स ओल्ड है, बिकॉज़ ये जून का महीना चल रहा है, जुलाई में हमारा 14 जुलाई हमारा फर्स्ट अपलोड था, मुझे अच्छे से याद है वो डेट। ठीक है, बिकॉज़ स्पेशल था मेरे लिए भी। बट इस एक साल में हम लोग बहुत ग्रो किए। ठीक है, मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका, आप लोगों का प्यार है, कितना सब्सक्राइबर मिला, कितना प्यार मिला, तो ये सब कुछ के लिए आप लोग को धन्यवाद। और ये जो धन्यवाद है सिर्फ मैं बोलने से यकीन नहीं रखता हूँ, तो ये मेरा एक थैंक यू बोलने का आप लोगों का एक ज़रिया है, ये पढ़ाई, ये जो आप लोगों के लिए मैं बनाया हूँ सी टाइप का पूरा कोर्स। सो ये आप एज ए कोर्स ही समझिए, बिकॉज़ ये जो डिज़ाइन किया गया है, जैसे मैंने इसे प्रिपेयर किया है, ये एज ए कोर्स की तरह ही आपको लगेगा। तो थोड़ा सा मुझे टाइम देना है आपको, पूरा वीडियो 100% पूरा वीडियो आपको देखना है, तो आपका पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है ये 100% आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी वीडियो में आते हैं और वीडियो का ओवरव्यू वगैरह दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने ऑब्वियसली नोट प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या क्या देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहले तो आप देखिए, मैंने सी टाइप के बारे में लिखा है, क्यों हम लोग सी टाइप यूज़ करते हैं, कैसा पिन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सब।
उसके बाद पिन का डिटेल्स है, उसके बाद सी टाइप का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कैसे वो सी टाइप कम्युनिकेशन करता है इसके बारे में है, ठीक है। और उसके साथ उसका जो टाइप्स वगैरह है, सीरियल कम्युनिकेशन पैरेलल कम्युनिकेशन उसके बारे में है। UART हमारा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, उसके बारे में डिटेल्स है। DAP UAP है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है हमारा ये CTEC को समझने के लिए, ओके। इसके बाद PD प्रोटोकॉल के बारे में है, UAP DAP का ओरिएंटेशन के बारे में है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो VWAS एंड CC लाइन है उसका कंसेप्ट है, ओके। स्विचिंग है, स्विचिंग के बाद ये मैंने एक डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम को मैंने फ्रेश करके एक वाइट पेज के ऊपर मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। ये इतना अच्छे से नहीं दिखाया गया होगा, ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेरा इच्छा है पहले पार्ट में हम लोग इस टॉपिक तक हम लोग जाएंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग ब्लॉक डायग्राम के बारे में बोलेंगे, OTG के मोड के बारे में बोलेंगे, चार्जिंग IC के बारे में सोचेंगे, बग बूस्ट कैसे काम करता है बिकॉज इस IC का वो बहुत बड़ा काम है, ठीक है, चार्जिंग IC का। और उसके साथ साथ टाइप सी का जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, कैसा उसका सोल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास जो डेटा शीट्स है वो भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, ये सब को आपको दिखाना होगा। तो ये PD प्रोटोकॉल क्या है, PD का कंट्रोलर कैसे काम करता है, चार्जिंग का कैसे काम करता है, ठीक है, इसका फ्रेम जो बिट फ्रेम है वो देखने में कैसा होता है, क्या रहता है उसमें, ये हमारा जो चार्जिंग IC है उसमें क्या आपको चेक कर लेना होता है, ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए मैंने रखा है। इधर पे थोड़ा बहुत हमारा जो PWM DSO से देखना होता है वो सब है, ठीक है, और ये सब होके इधर पे ख़त्म, और ये डायग्राम, ठीक है। उसके साथ साथ मैं ये बोर्ड को चूज़ किया हूँ इस काम को आप लोगों को सी टाइप दिखाने के लिए, बिकॉज़ इधर पे सी टाइप पोर्ट है और मेरे पास सी टाइप का एक देख सकते हो, ठीक है, सी टाइप का एक मीटर है, सी टाइप का चार्जर, फ़ोन, सब कुछ, पावर बैंक, सब कुछ लेके बैठा हूँ बिकॉज प्रोटोकॉल आपको समझाना है, ओके। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारा मिथ भी भरा है, मिथ का मतलब है गलत इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनके बारे में भी मुझे क्लियर करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आई थिंक आपको कंटेंट अच्छा लगा, सो अब हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। तो मेरा हैंडराइटिंग बहुत कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, गंदा है, तो थोड़ा सा चला लेना, मैं आप सभी को दिखा दूँगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग मैनेज कर सकते हो, और ये सभी का PDF पूरा फॉर्मेट बना के जो भी डेटा शीट में मैं पढ़ाऊँगा, जो भी इधर पे पढ़ाऊँगा, सब कुछ का डेटा शीट PDF बना के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ आपको मिल जाएगा। तो हमारा पूरा टॉपिक जो है वो है टाइप सी का फुल डिटेल्स है, ठीक है। तो पहले ही हमारा मेन क्वेश्चन आता है व्हाई वी आर यूजिंग टाइप सी, बिकॉज देखो ये जो हमारा मदरबोर्ड है, मैंने जो डेल का मदरबोर्ड देखा है, ये ओल्ड जेनरेशन है, ठीक है, ये H टाइप प्रोसेसर है, देख सकते हो PCH एंड CPU अलग अलग है। आपको जो ज़्यादा देखने को मिलता है इधर पे छोटा सा PCH होता है, उसे बोला जाता है U टाइप प्रोसेसर, ये H टाइप है, पावर हाई पावर वाला। और इस बोर्ड में अगर आप देखोगे, देखो ये सी टाइप का पोर्ट है, इधर पे DC इन केबल भी लिखा है, तो ये DC जैक है, राइट। सो अभी जो हमारे पास मदरबोर्ड्स आ रहे हैं उसमें हाइब्रिड था, उसके बाद अभी तो पूरा सी में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। बट क्यों हम लोग सी में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके बारे में पहले आपको देखना है मेन रीज़न क्या है। मेन रीज़न है यूरोपियन यूनियन, जो EU के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बोला है सेड वन केबल रूल, इसका मतलब एक पूरा हमारा पृथ्वी के लिए एक केबल का वो रूल ले आना चाहता है, ठीक है। इसका मतलब है
आपके पास एक ही केबल होगा सी टाइप, उससे आपका इन फ्यूचर उससे आपका लैपटॉप मोबाइल ईवी चार्जिंग, ईवी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हमारा कार वगैरह है वो भी चार्ज होगा सी टाइप से। ऐसा कॉन्सेप्ट आने का बातें चल रहा है, ठीक है। सो अभी तक तो सी टाइप अच्छे से आया भी नहीं, सी टाइप आएगा। अभी जो भी आपका पोर्ट है, आपने देखा है मेरा ये जो आईफोन 13 है, ठीक है, इसमें आप अगर देखोगे तो इधर पे आप देखोगे मेरा लाइटनिंग पोर्ट है, ओके। बट ये एप्पल के जैसा जिद्दी कंपनी को भी चेंज करना पड़ा सी टाइप में, बिकॉज इधर पे सी टाइप ले आना उसका मैंडेटरी हो गया है। तो आपको यही मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो भी आपको आएगा, लैपटॉप आएगा, मोबाइल आएगा, जो भी डिवाइसेस है जिसको भी कम्युनिकेशन करना है, चार्जिंग करना है, सब कुछ आपका सी टाइप में कन्वर्ट होने वाला है। एक केबल पूरा हो जाएगा सभी के लिए, ठीक है। तो इसे ही बोला जाता है वन केबल रूल, ओके। तो ये यूरोपियन यूनियन ने इसे लागू किया है और पूरे जो हमारा पृथ्वी है उसे इसे फॉलो करना है, कोई भी देश जो है इसे छोड़ नहीं सकता है, ओके। तो इसका बेनिफिट्स क्या है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पहला तो है इट सपोर्ट 100 वाट पीडी चार्जिंग, 100 वाट का पीडी चार्जिंग ये सपोर्ट कर सकता है, मतलब ये जो हमारा पोर्ट है ये 100 वाट कैपेबल है पीडी चार्जिंग के लिए, ओके। पावर डिलीवरी इसका मतलब होता है भाई, पीडी का मतलब पावर डिलीवरी, इस ये प्रोटोकॉल में आता है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट कुड ट्रांसफ़र डेटा 10 GB पर सेकेंड, इसका मतलब इसका बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफ़र भी स्पीड है। सी टाइप हैज़ फ्लिपेबल कैपेबिलिटी, इसका मतलब आपको आपके पास अगर सी टाइप का एक केबल है, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, ये सी टाइप का एक केबल है, आप ऐसे लगा और ऐसे घुमा के लगा, बोथ साइड ये वर्क करता है, राइट, बोथ साइड ये सेम परफॉर्मेंस देता है। इसका मतलब इसको फ्लिप कर सकते हैं, इसका मतलब है इसे ही बोला जाता है फ्लिपेबल कैपेबिलिटी, ओके, इसके अंदर में है। ऑल्सो वीडियो आउटपुट कैपेबिलिटी, आपके पास ये लैपटॉप है, आपको एक वीडियो ट्रांसफ़र करना है एक मॉनिटर में, आप जो सी टाइप से वीडियो आउटपुट भी ले सकते हैं इससे, ठीक है। ऑडियो ले सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी जो अच्छे वाला हाई क्वालिटी ऑडियो होता है उसे इससे ले सकते हैं, इससे आपको OTG में जो आपका पेन ड्राइव है वो चल सकता है, 100 वाट PD हो सकता है, बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एक ही पोर्ट में ये सब कुछ घुसाया गया है, तो इसलिए ये जो चीज़ है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको समझना इसलिए ज़रूरी हो गया है आज के दिन पे, अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग करते हो, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने क्या लिखा है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन सी टाइप वी कैन यूज़ द सेम पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड ऑल्सो डेटा ट्रांसफ़र एंड ऑल्सो यूज़ फॉर वीडियो आउटपुट, इसका मतलब मैंने जो बताया ये जो पूरा सी टाइप पोर्ट है इससे मैं चार्जिंग कर सकता हूँ, डेटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, वीडियो आउटपुट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। देयर इज़ टोटल 24 पिन इन ए सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, इसका मतलब 24 पिन एक पूरा सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट के अंदर होता है। बट 12 पिन आर सेम बट मिरर ऑफ ईच अदर, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब है आप अगर गौर से कोई भी सी टाइप का अगर पोर्ट आप देखोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे देखोगे, ठीक है, मैं थोड़ा फोकस क्या इधर पे होगा नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, एनीवे मैं आपको इधर पे दिखा देता हूँ। ऐसे अब अगर आप देखोगे तो ऊपर के साइड 12 पोर्ट्स है, नीचे के साइड 12 कनेक्टर्स है, ऊपर के साइड 12 कनेक्टर्स है, एक साथ मिला के वो 24 कनेक्टर पे जाता है। बट वो मिरर है, मिरर का मतलब है हम लोग अगर आप एक बार थोड़ा सा आप घर में करके देखना, अगर आप घर में एक मिरर के सामने खड़ा हो जाएंगे तो आप अगर दाई हाथ उठाएंगे मिरर में आपको दिखेगा आपका बाँ हाथ जो है वो उठ रहा है, इसका मतलब है हमारा पूरा ऑपोजिट हो जाता है मिरर इमेज, तो इसे ही मिरर बोला जाता है। तो देखो
ये चार जो ग्राउंड है ये तो एकदम परफेक्ट है, बट अगर आप इस जगह को आप गौर करो, ठीक है, एक जगह, सभी जगह सेम ही है, बट एक जगह को मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पहले प्लस, इसके माइनस, इसके बाद माइनस, इधर पे देखो इसका ऑपोजिट हो गया, माइनस प्लस हो गया, अंडरस्टैंड। देखो इधर पे जो था आपका एस बी यू वो चला गया इधर पे एस बी यू, सी सी वन जो था इधर पे आ गया सी सी टू, तो सब कुछ देखो चेंज हो रहा है। देखो इधर पे टी एक्स का था टी एक्स वन प्लस वन माइनस, इधर पे हो गया टी एक्स वन प्लस वन माइनस, आर एक्स टू प्लस टू माइनस, इधर पे हो गया आर एक्स टू प्लस टू माइनस। वी बस ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है, वी बस देखना, ये दो वी बस है, ये दो वी बस है, ये ही मेन वोल्टेज को कैरी करता है। ग्राउंड आपका मेन जो ग्राउंड है वो सेम रहता है, बाकी जो आपको डेटा है आर एक्स टी एक्स है, ठीक है, एस बी यू है, वो आपको स्विच्ड मिलेगा, ठीक है, इसे ही बोला जाता है मिरर। तो बहुत टाइम आपने देखा है, बहुत टाइम ऐसा आपको प्रॉब्लम मिल सकता है, आपने एक सी टाइप का पोर्ट कनेक्ट किया, समझो मेरे पास, मैं ये पावर बैंक से समझा देता हूँ, ये मेरे पास एक पावर बैंक है वन प्लस, ठीक है, इधर पे पोर्ट्स है, ठीक है, सी टाइप का, तो आपने समझो ऐसे इसे चार्ज में बिठाया ऐसे, बट वो चालू नहीं हुआ चार्जिंग, ओके, आप ऐसे ओपन किए, इसे रोटेट किए, फिर से कनेक्ट करने से ये चार्जिंग स्टार्ट हो गया, ऐसा होता है, ठीक है, मैंने भी देखा है, ये लैपटॉप में होता है, मोबाइल में होता है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, देखो ग्राउंड और वीवस तो सेम है, चार्जिंग के लिए जो मेन प्रोटोकॉल वगैरह का जिम्मेदारी लेता है वो है सीसी पिन, तो ये सीसी पिन अगर समझो पहले वाला में अच्छे से कनेक्शन नहीं मिला, आपको जब रोटेट करके सीसी टू को आप यूज़ कर रहे हैं चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तब वो कनेक्ट कर जाता है। तो क्या मैं बात कर रहा हूँ, चैनल कॉन्फ़िगरेशन, ये आपने एक नया वर्ड सुन लिया, इसके बारे में हम लोग आगे ज़रूर बात करेंगे, सब कुछ है डिटेल्स में, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो अभी हम लोग पिन डिटेल्स में चले जाते हैं। तो ये मैंने सी टाइप का जो पिन डिटेल्स है उसे मैंने लिखा है। तो जो टी एक्स प्लस एंड माइनस है ये किसके लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र, ये यूएसबी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वी बस क्या है, मैंने लिखा वीवीआई, वीवीआई का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक चीज़ है जो मेरा सी टाइप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केबल बस पावर है, केबल का मेन जो पावर रेल रहता है वो यही है, और उसके पास लिखा है मैंने 5 वोल्ट, बिकॉज आप कोई भी सी टाइप का आप चार्जर ले लीजिए, कोई भी आप कुछ भी ले लीजिए, इनिशियल कंडीशन में जब कोई भी प्रोटोकॉल कंसिडरेशन नहीं होता है उस टाइम पे आपका 5 वोल्ट ही जो केबल है, जो आपका वी बस है, वो 5 वोल्ट पे ही रहता है, जो स्विचिंग वगैरह होके 20 वोल्ट बनता है वो ये भी बस में ही बनता है, बट वो आफ्टर प्रोटोकॉल है, ये सब के बारे में हम बाद में डिस्कस ज़रूर करेंगे इस वीडियो में, ओके। उसके बाद देखो डी प्लस डी माइनस है, जो यूएसबी डेटा प्लस डेटा माइनस है, ये तो हमने सभी को ये पता है, ये टी एक्स था, ये आर एक्स है, यूज़ फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र, ओके। अभी जो एक था मेरा वो था एस बी यू, ओके, ये सेकेंडरी बस है और साइड बैंड है, ठीक है, मैंने लिखा है यूज़ नॉट यूज़ फॉर यूएसबी, ये यूएसबी के लिए यूज़ नहीं होता है, तो साइड बैंड जो है ऑल्सो यूज़ फॉर ट्रांसफरिंग ऑडियो फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब ये हाई जो क्वालिटी ऑडियो आप अगर सुनना चाहते हो सी टाइप के पोर्ट से, बिकॉज सी टाइप का तो आपका हेडफोन भी अवेलेबल है ना, तो वो इस लाइन को यूज़ करता है आपका ऑडियो को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, गुड। उसके बाद सीसी, मैंने देखो इधर पे एक वीवीआई लिखा है, इधर पे एक वीवीआई लिखा है, राइट, सीसी, सीसी क्या है, चैनल कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, फॉर केबल अटैच्ड, सॉरी केबल अटैच्ड, केबल आपका लगाया गया है उसका अटैचमेंट के लिए जो आपका चैनल का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे और आपका 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा इसका डिटेल्स में जाते हैं, मैंने लिखा है सीसी के बारे में ही मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने लिखा है वन बिकेम वीकॉन टू सप्लाई पावर फॉर केबल, क्या है ये बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ,
ध्यान से सुनना, ठीक है। इधर से आपका इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो शुरू होता है। अभी ये आपको स्ट्रक्चर दिख गया 24 पिन का, तो आपके पास दो सीसी है, ठीक है। एक सीसी वन है, ये सीसी टू है। इसका मतलब है जब आप यूएसबी कनेक्ट करोगे तो एक आपका चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होगा, और जो अलग वाला जो और एक सीसी पड़ा हुआ था आपके पास, वो आपका वीकॉन बन जाएगा। वीकॉन जो है वो आपका बस पावर हो जाए, बस पावर नहीं सॉरी, वो आपका केबल पावर हो जाएगा। इसका मतलब है बहुत सारे केबल जो है, सी टाइप का केबल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगाया होता है। और क्या होता है, आप जब समझो ये जो आपका मदरबोर्ड है, ठीक है, इसका जो आपका पीडी कंट्रोलर वगैरह है, ये जब आप जब ये चैनल कॉन्फ़िगरेशन जब ये केबल को इंसर्ट करोगे, चैनल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू 5 वोल्ट आपका पीडी कंट्रोलर वगैरह में भी जाता है। ये एक्चुअली केबल का पावर के लिए है, केबल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स लगा होता है, ठीक है, हमारा सी टाइप केबल में, सब सी टाइप में नहीं, बट जो सी टाइप एक्चुअली पूरा प्रॉपर सी टाइप होता है, उसके मतलब डेटा ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ कर सकता है, उसमें आपको आई बोर्ड इधर पे एक सर्किट बोर्ड मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर करने के लिए आपका कोई ना कोई सी सी वन और सी सी टू जिम्मेदार हो जाएगा। वो सी सी वन और सी सी टू ही एक बन जाएगा आपका चैनल कॉन्फ़िगरेशन, जो डिटेक्ट करेगा, जो बताएगा पीडी कंट्रोलर को जो क्या लगा है, चार्जर कनेक्ट हुआ है और इधर पे एक पेन ड्राइव कनेक्ट हुआ है, ठीक है, वो बताएगा एक पिन से कौन सा। समझो आपने ऐसे लगाया तो सीसी वन हो गया चैनल कॉन्फ़िगरेशन, बताने चला गया, वो डेटा को ट्रांसफ़र करना चालू कर दिया, और आपने ऐसे रिवर्स लगाया तो ये हो गया आपका चैनल कॉन्फ़िगरेशन। जो भी एक बार जो भी बन जाएगा चैनल कॉन्फ़िगरेशन, उसके जो ऑपोजिट वाला परा रहेगा वो हो जाएगा आपका वीकॉन, और जो आपका जिम्मेदार रहेगा आपका केबल का पावर के लिए, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियरिंग द टॉपिक, राइट। सो इधर पे देखो, थोड़ा सा इधर पे मैंने रीराइट किया है, ठीक है। मैंने लिखा है इफ़ सीसी वन बिकम्स वीकॉन, इसका मतलब मैंने देख लिया है, मैंने इस कंडीशन में चूज़ कर रहा हूँ, सीसी वन को मैंने वीकॉन बना दिया है, ठीक है। कब बनेगा वीकॉन, तो जब भी इधर पे मैंने लिखा है सीसी वन बिकम्स वीकॉन, देन सीसी टू बिकम्स डिटेक्शन, इसका मतलब है सीसी टू तब भी डिटेक्शन का काम करेगा। इसका मतलब जो क्या कनेक्ट हुआ है इसको डिटेक्शन करेगा, तो डिटेक्शन का जो भी जिम्मेदारी है वो किसके पास है, सीसी के पास है, इसलिए सीसी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने क्या लिखा, डिटेक्शन एंड 5 वोल्ट पुल अप कनेक्ट टू अनदर रजिस्टर एंड रजिस्टर, ये कंप्लीट हुआ है रजिस्टर, एंड 5 वोल्ट फॉल्स डाउन टू 4.5 वोल्ट एज्यूम्ड। इसका मतलब है जब भी आपके पास ऐसा, आई नो ये जगह थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज हो रहा है, मैं ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। देखो आपके पास एक कोई भी लैपटॉप का डिवाइस आया है, आपने जब भी एक सी टाइप कनेक्टर कनेक्ट करोगे, इस दोनों में से एक आपका हो जाएगा चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑन। कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा आपका पोर्ट, आपने ऐसे लगाया, समझो ये फ्रंट साइड है या रिवर्स साइड है, ओके, समझ लो। केबल को पता नहीं है और पीडी कंट्रोलर को भी पता नहीं है, आपको आप सीधा घुसाए हो और रिवर्स करके घुसाए हो, पता तो नहीं है। पता कैसे चलेगा उसे, पता चलेगा ये सीसी से, कौन सा सीसी आपका कनेक्ट हुआ है एज डिटेक्शन, उससे पता चलेगा केबल जो कंट्रोलर है उसको, जो ये जो केबल है ये फ्लिप्ड कनेक्ट हुआ है और फॉरवर्ड कनेक्ट हुआ है, ठीक है। जब भी ये कनेक्शन का उसके पास स्टेबल एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तभी आपका सीसी वन अगर आपका बना है चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो सीसी टू हो जाएगा आपका वीकॉन। अभी सीसी टू और सीसी वन का जब आप डिफरेंस आपको अगर देखना है, तो जस्ट आपको मल्टीमीटर से ये दो पॉइंट पे चेक कर लेना है वोल्टेज, आपको दिखेगा
जो वीकॉन होगा, जो चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ नहीं किया है, जस्ट यूज़ किया है केबल पावर के लिए, उस पर कॉन्स्टेंट 5 वोल्ट होगा, अंडरस्टैंड। और जो सीसी के लिए आपको मिलेगा, जो सीसी का जो पिन मिलेगा, उस पर लोअर देन 5 वोल्ट मिलेगा। इससे हम लोग पता कर सकते हैं हमारा सीसी 1 चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज हुआ है और सीसी 2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज हुआ है। ओके, तो एक्चुअली यही मैंने इधर पे लिखा है। मैंने फिर से मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैंने लिखा 1 बिकम वीकॉन टू सप्लाई द पावर, ठीक है, केबल पावर के लिए। ये तो हो गया, तो एक बना आपका वीकॉन। एक क्या होगा उस टाइम पे, ऑलवेज क्या होगा बताओ, वो कॉन्फ़िगरेशन चैनल के लिए यूज़ होगा, डिटेक्शन के लिए, ठीक है। तो अभी सेकेंड पॉइंट पे लिखा है इफ़ सीसी 1 बिकम्स वीकॉन, तो अभी वीकॉन को जो मैंने बताया था उसे मैंने सीसी 1 पकड़ लिया, जो सीसी 1 आपका वीकॉन हो गया। तो इस टाइम पे जो डिटेक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है, सीसी 2। तो सीसी 2 बिकम्स हो रहा है क्या, डिटेक्शन पे वो काम कर रहा है। और 5 वोल्ट पुल अप कनेक्ट टू अनदर रजिस्टर एंड 5 वोल्ट फॉल डाउन टू 4.5 वोल्ट एज्यूम्ड। इसका मतलब है, इधर पे मैं दिखा देता हूँ, ये आपका पुल अप है 5 वोल्ट से, ये आपका CC1 है। जब भी ये चैनल कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्ट होगा, ये इधर पे एक रजिस्टर के पास जाएगा और ये ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। इसके वजह से इधर पे एक करंट फ्लो होगा, राइट, जो 5 वोल्ट है ये पुल डाउन हो जाएगा। एज्यूम कर रहे हैं कितना हो गया, 4.5 वोल्ट। ओके, हो सकता है आपका 4.9 हो, 4.8 हो, 4.2 हो, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रेजिस्टेंस और दिस रेजिस्टेंस। ओके, अभी जो आपका सीसी 2 है, ओके, नॉर्मल सीसी 2 है, वो नॉर्मली कनेक्ट हो गया एक रजिस्टर के साथ 5 वोल्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, सीसी 2। तो अभी आप मल्टीमीटर में अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा आपका 4.5 वोल्ट और इस पॉइंट पे मिलेगा 5 वोल्ट। इसका मतलब आप समझ जाओगे 4.5 वोल्ट जिधर पे मिल रहा है, लो वोल्टेज, लेस देन 5 वोल्टेज, वो आपका चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ हुआ है। और जिस पॉइंट पर आपको मिलेगा 5 वोल्टेज, वो बना है वीकॉन। ये हो गया आपका इस टाइम पे VCONN, वीकॉन। ओके, गुड, यही मैंने इधर पे लिखा है। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो सो फॉर चार्जिंग VBUS and CC pin has a very important role, right? मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो charging के लिए VBUS, इसका मतलब जो power है, जो main power rails है, वो और हमारा CC pin जो channel configuration को create करेगा, वो बहुत important है, ठीक है। charging के लिए ही क्यों मैंने लिखा, because हम लोग ज़्यादा concern होते हैं charging के लिए, right? बट अगर आप समझोगे एक पेन ड्राइव लगाने से वो डिटेक्शन पे नहीं जा रहा है, उससे भी यही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज VBUS तो तब भी 5 वोल्ट कांस्टेंट होगा, बट उसका भी एक केस होगा, तभी क्या होगा, लैपटॉप जो VBUS है वो बनाएगा। अभी VBUS कौन बना रहा है, चार्जर बना रहा है, ठीक है। इसके बारे में भी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलते चलते, ठीक है। और सीसी पिन जो है वो ही डिटेक्शन करेगा, क्या डिटेक्शन करेगा, वो UFP है और DFP है, मैंने बताया था ना इसका बारे में, UFP DFP। इसका मतलब वो चार्जर है और पेन ड्राइव है। इसका जो टेक्निकल नेम है, ये USB-C टाइप के लिए जिम्मेदारी जो उठाता है, जो मेन प्रोटोकॉल वगैरह का नेम है, वो है UFP DFP। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो मैंने वही लिखा है, वी विल लर्न अबाउट इट इन लेटर इन दिस वीडियो। बाद में हम लोग इसके बारे में ज़रूर लर्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग आगे टाइप सी के कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल क्या है, तो पहले तो आपको समझना है प्रोटोकॉल क्या है। यह प्रोटोकॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मिथ्स फैला हुआ है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ आज क्लियर होगा आपको। तो पहले तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है,
कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब है, अभी आप समझ लो आप और हम एक वीडियो में बात कर रहे हैं, राइट। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, क्यों? बिकॉज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। समझो मैंने अभी चालू कर दिया फ्रेंच में बात करना, ओके? आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। जो फ्रेंच समझ सकता उसको आएगा, बट आप समझो आपको आएगा? नहीं आएगा। तो अगर आपको नहीं आएगा तो इधर पे ही कम्युनिकेशन का एरर हो गया ना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? दो, एक आपका बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, ये दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है। ये बोल रहा है भाई तू दाईं तरफ हिल जा तो हिल रहा है, बाईं तरफ हिल जा तो हिल रहा है, अभी कम्युनिकेशन एरर हो गया। ये बोल रहा है दाईं तरफ हिलने के लिए, ये हिलता ही नहीं है, क्यों? बिकॉज ये जो लैंग्वेज में बात कर रहा है इसे समझ में नहीं आ रहा है। इसे ही बोला जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमारा एक लैंग्वेज है, एक कम्युनिकेशन का एक जर है जिधर से कम्युनिकेशन होता है। तो हमारा टाइप सी के कम्युनिकेशन के लिए हमारा दो कम्युनिकेशन हमारा यूज होता है, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस। अभी ये सिंक्रोनस क्या है इसे आपको समझना है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस का मतलब है, सिंक्रोनाइजेशन से ये वर्ड आया है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब एकदम सेम सेम चलना, ओके? आप इधर पे मैंने दो पेन लिया, दोनों ही ये लाइन के अंदर में है, जब ये मूव करेगा 100% सेम स्पीड पे मूव करके ये पॉइंट तक आएगा, ये है सिंक्रोनस। इसका मतलब ये दो एकदम सिमिलर वर्क करेगा, ऐसा नहीं एक आगे भाग जाएगा एक पीछे भाग जाएगा, ऐसा नहीं। सिंक्रोनस मतलब अगर वो जाना है तो एक साथ जाएगा, आना है तो एक साथ आएगा, गुड। इसे ही बोला जाता है सिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस का मतलब है इसके साथ इसका कोई लेन देन का, जो आपका इसके साथ इसका कोई संपर्क ही नहीं है, ओके? ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, इसका मर्जी है ये रिटर्न आ रहा है, इसका मर्जी है ये जा रहा है, इसे बोला जाता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब जो सिंक्रोनस्ड सिंक्रोनाइजेशन मानता नहीं है, सिंक्रोनस्ड नहीं है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये जो सिंक्रोनाइजेशन का पूरा खेल है ना, ये क्लॉक सिग्नल करता है। सिंक्रोनाइजेशन का पूरा जो जड़ है, जो बुनियाद है ना बोलते हैं, वो क्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्लॉक सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग बोलते हैं ना एसएम क्लॉक एसएम डेटा, ये ही है क्लॉक। अगर क्लॉक आपका सेम रहेगा तो डेटा को वो क्लॉक के अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर दोनों का क्लॉक डिफरेंट हो जाएगा तो डेटा अब एक जा रहा है एक आ रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो अभी आई थिंक ये दो क्लियर हो गया, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, बिकॉज ये टर्म मोस्ट प्रॉब्ली आपने पहली बार सुना होगा, दूसरी बार सुना होगा, बिकॉज ये जो है ये कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है? तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने लिखा Now the question is what is synchronous asynchronous communication? तो अभी question आता है क्या है ये synchronous asynchronous communication? First we have to understand that communication happen in between sender or transmitter or receiver. Sender मतलब जो send करता है उसे हम लोग sometime क्या बोलते हैं, transmitter, जो transmit करता है data, और एक होता है रिसीवर जो रिसीव करता है, जो भाई हाँ मैं टेकर हूँ, मैं लूँगा, मैं गिवर हूँ, मैं दूँगा, राइट? अभी मैं दे रहा हूँ, मैं आपका सेंडर हुआ, ठीक है? और आप जो सुन रहे हो वो रिसीवर हुआ, ठीक है? अभी हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है? हिंदी लैंग्वेज के थ्रू, तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है उसे करने के लिए। अब ये सिंक्रोनस है एसिंक्रोनस है वो आपको बताना है कमेंट में, ठीक है? मैंने लिखा है सो फॉर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्लॉक सिग्नल इज नॉट द सेम फॉर सेंडर एंड रिसीवर। बहुत लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बहुत जानते हैं, जिसको नॉलेज 100% क्लियर नहीं है, इस पॉइंट पे वो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं।
जो एसिंक्रोनस्ट होता है वो लोग समझते हैं वो उसके पास क्लॉक नहीं होता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसके पास क्लॉक होता है बट डिफरेंट क्लॉक होता है। इसका मतलब सेंडर हैज़ ओन क्लॉक एंड ऑल्सो रिसीवर हैज़ इट्स ओन क्लॉक। इसका मतलब सेंडर के पास एक क्लॉक साइकिल है जो रिसीवर के साथ मिलता नहीं है, दोनों का ही क्लॉक सिग्नल अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंट क्लॉक सिग्नल फॉर ट्रांसमीटर TX एंड रिसीवर RX, समझ गए। तो एसिंक्रोनस में क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो डिफरेंट वे में होगा। एक बार हो सकता है ये हुआ, उसके बाद रुक गया, उसके बाद इसका कम्युनिकेशन जो रिसीवर है उसको डेटा भेजा ट्रांसमीटर को, ठीक है। थोड़ा सा आपका डिफरेंस हो सकता है। तो इधर पे मैंने लिखा है सो द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस सिस्टम विल बी स्लो डेटा ट्रांसफर। इसका मतलब इधर पे स्लो डेटा ट्रांसफरिंग होगा बिकॉज वो तो एक ही क्लॉक में भगा देगा ना पूरा डेटा को, बट ये तो एक बार ये करेगा एक बार वो करेगा तो टाइम लगेगा, बट एरर विल बी ज़ीरो, एरर नहीं रहेगा, ठीक है। बिकॉज एक ही क्लॉक सिग्नल पे वो काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से वो एरर फ्री ऑपरेशन कर सकता है बट स्लो। इसका ही एग्जांपल है UART। UART जो है, UART एक सी टाइप का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। हो सकता है आपको जो लैपटॉप का मदरबोर्ड मिला है वो जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो UART के थ्रू कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, UART के थ्रू कर रहा होगा तो आपको सेंडर और रिसीवर में बोथ दोनों तरफ अलग अलग क्लॉक पल्स मिलेगा, ठीक है। मैं आगे चलते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी आते हैं हम लोग सिंक्रोनस में, ठीक है। एसिंक्रोनस के बारे में बात ज़रूर करेंगे, इसके बाद में डिटेल में है। तो अभी सिंक्रोनस के बारे में जान लेते हैं। सिंक्रोनस क्या है, फॉर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्लॉक इज सेम फॉर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डिवाइस। इसका मतलब क्लॉक सेम है, इसके लिए वो सिंक्रोनस्ड होता है। एग्जांपल पे मैंने क्या लिखा है वो ध्यान से देखो, बिकॉज ये सभी लोग जानते हैं। UART तो पहली बार सुना है ना, बट ये तो जानते हैं। SDA-SCL कम्युनिकेशन, SPI कम्युनिकेशन जानते हैं ना। तो आप समझो SDA-SCL कम्युनिकेशन, SDA-SCL किस घर पे आप पकड़ लो, आप पकड़ लो चार्जिंग में, ओके। तो चार्जिंग का डिटेल्स इधर पे मैंने दिया है, ठीक है। आप इधर पे मैंने क्या लिखा है देख लो, लिखा है लाइक SIO एंड चार्जिंग IC एंड PCH एंड BIOS, IO एंड BIOS। तो PCH एंड BIOS का कम्युनिकेशन, IO एंड BIOS का कम्युनिकेशन, ये कौन सा BIOS है, EC BIOS है। ये दोनों का कम्युनिकेशन कौन सा प्रोटोकॉल और कौन सा कम्युनिकेशन से होता है, SPI से। ये मैंने क्या कर दिया, SPI है, L बना दिया, SPI से, ओके। और चार्जिंग जो SIO एंड चार्जिंग IC के बीच जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसके साथ साथ बैटरी पे भी जाता है, वो क्या होता है, SDA-SCL कम्युनिकेशन होता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे SDA एंड SCL में क्लॉक तो सेम होता है, चार्जिंग IC के भी, IO के भी, बैटरी के भी। तो बैटरी, IO एंड जो चार्जिंग IC है सेम क्लॉक साइकिल पे वो काम करता है। अगर आप देखोगे आपका SPI कम्युनिकेशन, आपका जो BIOS है उसका पिन नंबर जो 6 है उसमें आपका क्लॉक मिलता है, डेटा जो है वो अलग अलग होता है इन एंड आउट, ठीक है। बट क्लॉक सेम ही से साइकिल से कंट्रोल होता है। मैंने दिखाया है लेनोवो का केस में, ठीक है, जब वो अप जाएगा तब वो राइट करेगा, जब वो डाउन जाएगा तब वो रीड करेगा, लाइक दैट, ओके। सो वी यूज सेम क्लॉक फॉर TX एंड RX, ट्रांसफर एंड रिसीवर, ओके। सो द मेन बेनिफिट इज नो डिले इन डेटा ट्रांसफर, डिले नहीं होगा, स्पीड ज़्यादा मिलेगा, एक ही क्लॉक साइकिल में सब कुछ ट्रांसफर हो सकता है। बट एरर कैन बी हैपन, एरर हो सकता है इस केस में, ठीक है, एरर हो जा सकता है बिकॉज सेम ही क्लॉक पे वो डेटा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, तो हो सकता है ये एरर कर जाए, ठीक है। अभी देखो ये ओल्ड जो हमारा चार्जिंग है, बिकॉज हम लोग सी टाइप का चार्जिंग के बारे में बोल रहे हैं इसलिए ओल्ड मैंने लिखा। ओल्ड का मतलब है जिधर पे हम लोग नॉर्मल कन्वेंशनल वे में चार्ज करते हैं, उसमें हमारा SDA-SCL का कम्युनिकेशन होता है। उसमें हमारा क्या होता है ये समझो,
एक होता है मास्टर और एक होता है स्लेव, ठीक है। इसे मास्टर स्लेव भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसा मत समझना मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ चार्जिंग आईसी को, ओके, और इसको मैंने बड़ा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे मास्टर स्लेव भी बोला जाता है। एक्चुअली क्या है, मास्टर क्या करता है, मास्टर कमांड करता है जो भाई ये करो वो करो, और स्लेव करता है, हाँ जी मालिक, यही करता है ना। आपके पास एक नौकर है, आपके घर में काम करता है, बोला आपने, अब मास्टर है, आपने बोला थोड़ा सा सब्जी ले आना भैया, तो जो स्लेव है, जो आपका नौकर है, वो क्या बोलेगा, जी मालिक, राइट। तो स्लेव के पास बोलने का हक होता है, जब भाई मास्टर तू जा मेरा इच्छा नहीं है, नहीं होता है। इसका मतलब जो चार्जिंग पूरा डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आयो के ऊपर, पैकेज ऑफ डेटा के ऊपर, राइट। और पैकेज ऑफ डेटा सेंड कौन करता है, आयो। सो ये जो आयो चार्जिंग आईसी के साथ जो कम्युनिकेशन करता है, ओके, इसके साथ साथ आपका कौन सा, आपका बैटरी भी कनेक्टेड है, ठीक है, आपका बैटरी भी कनेक्टेड है इसके साथ, चार्जिंग आईसी के साथ सेम ही SDSCL लाइन में। तो क्लॉक इज सेम फॉर SIO एंड चार्जिंग आईसी, ठीक है। ऑल्सो बैटरी पर भी सेम क्लॉक आता है, ठीक है, क्लॉक आप स्तर पर भी चेक करो, बिकॉज एक ही लाइन से सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ ए सिंकोनस कम्युनिकेशन, ये पूरा सिंकोनाइज वे में हो रहा है। जब SIO पैकेज ऑफ डेटा भेज रहा है चार्जिंग आईसी को, वही क्लॉक पल्स पे वो बैटरी पे भी चला जा रहा है, सभी कुछ एक ही तरह कनेक्शन हो रहा है, कोई डीले नहीं है। ऐसा नहीं है इधर से इधर आया, इसके प्लस अब राइट नाउ क्लॉक नहीं है तो ये आपका चार्जिंग नहीं चालू करेगा, ऐसा नहीं है। इसको सब ये इसके पास क्लॉक है, इसके पास सेमी क्लॉक है, उसके बैटरी के पास भी सेमी क्लॉक है, एक ही तरह धनाधन चार्ज होता रहेगा, ठीक है। कोई डिले नहीं, कोई मिडिल में रुक रुक के काम नहीं, ठीक है। बट अगर हम इधर पे UART कम्युनिकेशन यूज़ कर देंगे और एसिंक्रोनस कोई भी कम्युनिकेशन यूज़ कर देंगे, तो हो सकता है आयो जब काम इसको इन्फॉर्मेशन दे दे, राइट नाउ इसके पास अगर क्लॉक नहीं है तो ये चार्जिंग जो बैटरी है उसको कमांड नहीं दे सकता है, जो आप चार्ज करो बैटरी को इस करेंट इस वोल्टेज पे, ठीक है, तो रुक जाएगा चार्जिंग, 10% जाके बंद, उसके बाद 2% फिर से इंक्रीज, उसके बाद बंद, ऐसा रुक रुक के हो जाएगा। तो इसके लिए वो हमारा डिजर्व्ड नहीं है, इसके लिए हम लोग उधर पे कभी भी नहीं यूज़ कर सकते हैं सिंकोनस के जगह एसिंकोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी SPI के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फॉर सेम फॉर SPI कम्युनिकेशन, SPI कम्युनिकेशन में भी सेम है, कैसे सेम है हम लोग देख लेते हैं। मैंने लिखा है SPI कम्युनिकेशन यूज बाय आवर BIOS IC, ठीक है, हमारा BIOS IC SPI कम्युनिकेशन को यूज़ करता है। इफ़ यू रिमेंबर देयर इज वन क्लॉक पिन नंबर 6, अगर आप BIOS लेंगे, ठीक है, किधर है BIOS बताओ, BIOS बेस्ट, ये BIOS, ठीक है, ये हमारा स्पेशल BIOS है, ये बाद में बताएंगे क्या BIOS है। ये BIOS है, ये पिन नंबर 1 है, 1 2 3 4 5 6 नंबर से क्या होता है, आपका क्लॉक जाता है और डेटा इन एंड आउट 5 और 2 पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इधर पे देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इफ़ यू रिमेंबर देयर इज़ वन क्लॉक पिन, दैट इज़ पिन नंबर 6, ओके, बट डेटा इन एंड डेटा आउट इज डिफरेंट, डेटा इन एंड डेटा आउट अलग अलग है बट क्लॉक सेम है। तो इसका मतलब क्या है, सेम क्लॉक पे वो डेटा रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, ठीक है, मैंने वो दिखाया था वो वीडियो में। तो सो इट इज़ ऑल्सो अ सिंकोनस कम्युनिकेशन, सिंकोनाइज्ड हो रहा है, किसी का भी अलग अलग नहीं चाहिए, बिकॉज अगर डेटा इन के लिए अलग क्लॉक लगेगा, डेटा आउट के लिए अलग क्लॉक लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एसिंकोनस हो जाएगा, बट ऐसा तो नहीं होता है, तो ये सिंकोनास्ट है। अभी ये एसिंकोनस और सिंकोनस को थोड़ा सा और भी डिटेल में जानते हैं, क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज यही जो है, यही इसका जड़ है प्रोटोकॉल का, इसे आपको थोड़ा सा समझ लेना है क्या होता है इधर पे, क्या हो सकता है इधर पे, बिकॉज आपको अगर ये पता चल जाएगा तो आपको जो फॉल्ट है उसे समझना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल को समझना इजी हो जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से समझ जाओगे तो वो आपका जो फॉल्ट है उसे आप अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे, ठीक है। जो ये क्या कम्युनिकेशन का एरर है, ये क्या और कुछ एरर है, ठीक है, बिकॉज कम्युनिकेशन के ऊपर ही आपका स्विचिंग डिपेंड करेगा, जो 5 वोल्ट से 20 वोल्ट तक स्विच करता है, ठीक है, गुड। चलो
आगे बढ़ते हैं। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सीरियल डेटा ट्रांसफर। तो एसिंक्रोनस में क्या होता है? सीरियल डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मैंने लिखा है यूआरट, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमिशन। ये यूआरट का फुल फॉर्म है, UART। यू मतलब यूनिवर्सल, ए फॉर एसिंक्रोनस, आर फॉर रिसीवर एंड टी फॉर ट्रांसमिशन। ओके, तो सिंक्रोनस मीन्स देयर इज सॉरी एसिंक्रोनस मीन्स देयर इज नो क्लॉक सिग्नल टू सिंक्रोनाइज द आउटपुट फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग डिवाइस गोइंग टू द रिसीवर एंड। इसे थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना, ये कुछ नहीं बोल रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ इसके प्लस एक क्लॉक पल्स नहीं है जो सिंक्रोनाइजली आउटपुट और इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद दो क्लॉक है, ठीक है, मैंने वैसे लिखा है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा लिखना पड़ता है। सो एसिंक्रोनस मीन्स देयर इज नो क्लॉक, क्लॉक नहीं है, कोई क्लॉक नहीं है, सिग्नल टू सिंक्रोनाइज्ड, जो सिंक्रोनाइज कर सकता है द आउटपुट फ्रॉम द ट्रांसमीटर, ठीक है, आउटपुट को ट्रांसमीटर डिवाइस से गोइंग टू द रिसीवर, जो ट्रांसमीटर से बाहर निकाला है रिसीवर तक जा रहा है, वो दोनों को, वो बोथ दोनों को एक साथ आपका सिंक्रोनाइज्ड वे में भेजा जा नहीं सकता है बिकॉज उसके पास क्लॉक नहीं है। इसका मतलब सिंगल क्लॉक नहीं है, उसके पास क्लॉक है, डबल क्लॉक है। रिसीवर के पास एक क्लॉक है, सेंडर के पास एक क्लॉक है। इधर पे क्या बोल रहा है? इधर पे बोल रहा है सिंगल क्लॉक, नो क्लॉक का मतलब सिंगल क्लॉक नहीं है। सिंगल क्लॉक होता तो क्या होता, वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाता, आउटपुट इनपुट एक साथ जाता, राइट, अंडरस्टैंड, गुड। तो अभी देख लेते हैं इसका जो सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन है वो क्या है। तो इट इज़ ए इट इज़ ए सीरियल कम्युनिकेशन। इसका मतलब यूआरट जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन के ऊपर काम करता है। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब समझना है, ठीक है, देखो मैंने लिखा है सीरियल कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग डेटा बीट बाय बीट यूजिंग ए सिंगल लाइन। इसका मतलब एक बीट एक क्लॉक पल्स में पास करेगा, एक क्लॉक पल्स आएगा एक बीट पास करेगा, एक क्लॉक पल्स आएगा एक बीट पास करेगा, इसे बोला जाता है सीरियल। एक लाइन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद कनेक्टेड है, सीरियली जाएगा। ओके, देयर इज एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा सा रुक जाइए। देयर इज टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक, एक होता है सीरियल, एक होता है पैरेलल। तो हमारा यूआरट क्या है? सीरियल है। तो अभी सीरियल को थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, सीरियल कैसे काम करता है, क्या है उसके अंदर। मैंने लिखा है सीरियल कम्युनिकेशन, एक नंबर में लिखा है नो चांस ऑफ एनी एरर, कोई एरर का चांस नहीं होता है। मैंने पहले ही बोला है यूआरट सीरियल कम्युनिकेशन है, यूआरट आपका एसिंक्रोनस है। इसका मतलब एक क्लॉक पल्स पे आपका एक ही डेटा ट्रांसफर होगा। एक का मतलब समझो, इधर पे देखो मैंने लिखा है 10110। तो क्लॉक पल्स आया एक, ये लो, ये ज़ीरो स्टेट है, इधर से ये हाई हुआ, हाई रहा, हाई में ये लो टू हाई में एक डेटा को ट्रांसफ़र किया, वो है वन, फिर से हाई टू लो में एक डेटा को ट्रांसफ़र किया, वो है ज़ीरो, फिर से सॉरी फिर से वो लो से हाई में जब जा रहा है तब भी वो एक डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है वन, फिर से हाई से लो में जा रहा है एक डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है वन, उसके बाद फिर से वो हाई पे जा रहा है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो रहा है, इस पे ट्रांसफ़र किया ज़ीरो। इसका मतलब देखो एक एक क्लॉक पल्स पे, एक एक क्लॉक पे वो एक एक डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, एक एक डेटा, एक दो तीन चार पाँच डेटा, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड स्लो, क्यों स्लो है? एक एक क्लॉक पल्स पे एक एक डेटा को भेजेंगे तो स्लो ही होगा ना, ये ट्रांसफ़र वन डेटा एट वन क्लॉक साइकिल, ठीक है, क्लॉक और क्लॉक साइकिल सेम। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक समझ में आ गया। अभी देख लो पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, जो स्पीड अप करता है पूरा प्रोसेस को, वो है पैरेलल कम्युनिकेशन। एरर कैन बी हैपन और प्रेजेंट, एरर हो सकता है इस लाइन में, ठीक है, जल्दी जल्दी भागोगे तो एरर तो होगा ही, ठीक है, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, एरर हो सकता है इस लाइन में,
यूज़ पैरिटी चेक। इसका मतलब क्या है आपको समझाना है। देखो, एक जो डेटा है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा फ्रेम होता है, उसमें आपका इमेज भी होता है, एलएस भी होता है, डेटा होता है, एक्नॉलेज होता है, ठीक है, एक्नॉलेज बीट होता है, उसके बाद पैरिटी बीट होता है। तो ये जो पैरिटी है, पैरिटी चेक, इसका मतलब है इसमें कोई एरर है कि नहीं उसे चेक करना पड़ता है। अगर आप पैरेलल कम्युनिकेशन आप किधर पे यूज़ करोगे, कोई भी डेटा ट्रांसमिशन के लिए आपका जो कम्युनिकेशन होगा उस जगह पे आपको ज़रूर ट्रांसमीटर से रिसीवर पे, जो रिसीवर जो डेटा को रिसीव कर रहा है उधर पे आपको एक पैरिटी चेकर यूज़ करना है जो ऑड एंड इवन पैरिटी को पकड़ लेता है। इसका मतलब कोई अगर आपने ज़ीरो सेंड किया, समझो ज़ीरो सेंड किया, ओके समझो वो ज़ीरो सेंड किया, वो जाते जाते वन में बदल गया, ठीक है, तो उसे पकड़ना है एरर और उसे कन्वर्ट करना है फिर से ज़ीरो में एंड रिसीवर को भेजना है। इसके वजह से उधर पे चेकिंग का एक क्या बोलते हैं महत्व रह जाता है, ठीक है, उधर पे एक नीड रह जाता है, ठीक है। डेटा मैंने इधर पे क्या लिखा है देख लो, ये पहले है जो एरर होगा पैरिटी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ मच हायर देन सीरियल कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड रहेगा बिकॉज पे आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज देखो ऑल डेटा विल बी ट्रांसफ़र इन वन क्लॉक साइकिल, यही बिकॉज है। क्यू स्पीड है बिकॉज एक क्लॉक पल्स में पूरा डेटा निकल जाएगा, इसका मतलब एक क्लॉक पल्स का मतलब इधर पे मैंने दिखाया। डेटा क्या है, वन ज़ीरो वन वन है, जस्ट क्लॉक उठा, इधर से स्टार्ट हुआ आपका, ये गया हाई मैंने वन गया, लो हुआ, लो से इधर तक जब भी ये हाई होगा, ये हाई पॉइंट पे ये आपका जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है वन क्लॉक, एक क्लॉक साइकिल, इसमें पूरा ये डेटा निकल जाएगा। बट हमारे केस में क्या हो रहा था, एक क्लॉक पल्स में एक ही डेटा जा रहा था सीरियल में, ठीक है इसमें क्या हो रहा है पूरा डेटा निकल रहा है। सो व्हाट इज वन क्लॉक साइकिल, वन क्लॉक साइकिल किसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है वन क्लॉक साइकिल, ठीक है। ये वन है, ये ज़ीरो है, ज़ीरो से स्टार्ट किया वन पे गया। अभी दो तरह का ट्रिगरिंग होता है, एक होता है राइजिंग एज ट्रिगर, एक होता है फॉलिंग एज ट्रिगर। इसका मतलब आपको राइजिंग एज को आपको पकड़ना है आपका ट्रिगरिंग के लिए और फॉलिंग एज को पकड़ना है आपका ट्रिगरिंग के लिए, बिकॉज ट्रांजिशन जब हैपन करेगा तब भी आपको देख आपको साइकिल को काउंट करना चालू करना है। उधर से देखो, इधर से आपका उठा राइजिंग एज पे हमने स्टार्टिंग किया, तो इसके बाद राइजिंग एज जब तक नहीं आएगा तब तक ये जो क्लॉक साइकिल ये एंड नहीं हो सकता है। तो राइजिंग एज पे गया, राइजिंग एज कांस्टेंट किया, ये फॉलिंग एज पे आ गया, फॉलिंग एज कांस्टेंट किया, इसके बाद ये फिर से राइजिंग एज पे जब भी गया ये हो गया आपका क्लॉक पल्स, वन क्लॉक पल्स। ये वन क्लॉक पल्स पे आपका पूरा डेटा ट्रांसफ़र होगा, वो अगर 6-7 बीट का भी डेटा है वो एक साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट इस केस में जब हम लोग सीरियल का बात कर रहे थे तब भी हमारा क्या हो रहा था, राइजिंग से हमारा गया ये जब टॉप पे, देखो अभी इसका जो है, इसका जो फॉर्मेट है वो है हमारा जो एज है, जो हमारा फ्लैट लाइन है उस पे हमारा ट्रिगरिंग है। तो जब हाई होगा तब ज़ीरो वन, जब लो हो रहा है तभी ज़ीरो, जब हाई हो रहा है तभी वन, जब लो हो रहा है तभी वन। तो ऐसे जो भी डेटा है उसे हम लोग ऐसे ट्रांसफ़र कर रहा है, इसके वजह से हमारा एक एक क्लॉक पल्स में एक एक डेटा जा रहा है, इसके वजह से वो स्लो है, उसके वजह से यू आर्ट कम्युनिकेशन हमारा स्लो है, हम लोग उसके वजह से सिंक्रोनाइज्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है। गुड, अभी UART के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस किया है, ठीक है। देखो, सो UART इज़ ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, दैट मीन ईच बीट ऑफ डेटा इज ट्रांसफर थ्रू ईच क्लॉक पल्स, ऑब्वियसली स्लो है और एक बीट एक क्लॉक पल्स पे ट्रांसफ़र होगा। इंटरफेस देख लेते हैं कैसा होता है। द टू सिग्नल्स आर ईच UART device are named as transmitter and receiver, RxTx,
मास्टर एंड स्लेव के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू यूवर्ट, यूवर्ट का कम्युनिकेशन हो रहा है। देखो ये TX है, ट्रांसमिट कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। इसके लिए एक क्लॉक पल्स है, इसके लिए अलग क्लॉक पल्स है, ठीक है, इसके लिए फिर से अलग क्लॉक पल्स है, ओके। ये फिर से अभी ये ट्रांसमीटर हो गया, ये रिसीवर हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं पैरालल इन सीरियल आउट और सीरियल इन पैरालल आउट। इसे ये एक्चुअली क्या है, ये जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है इसका हमारा रिदम है, जो कौन सा रिदम पे वो काम करेगा, पैरालल इन होगा सीरियल आउट होगा, इसका मतलब पैरालल में डेटा इन होगा, पैरालल जो मैंने ये पैरालल कम्युनिकेशन दिखाया ना, पैरालल एंड सीरियल, तो यही है, पैरालल में इन सीरियल में आउट, सीरियल में इन पैरालल में आउट, ये रिदम से ये डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। बट ये यूवर्ड जब भी आपको यूज़ करना है तब भी RX के लिए TX के लिए अलग अलग क्लॉक साइकिल चल जाएगा, ठीक है। चलो अभी ये पॉइंट पे आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, DFP UFP। कम्युनिकेशन के बारे में आपको समझ में आ गया, कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, कौन सा कम्युनिकेशन स्पीड कर रहा है, कौन सा कम्युनिकेशन लैग कर रहा है, बिकॉज कम्युनिकेशन जो भी CTAP का कम्युनिकेशन होगा वो इसी के ऊपर ही होगा, उसके बारे में हम लोग आगे ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं UFP DFP क्या है। तो पहले मैंने चूज़ किया है DFP। DFP का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम फेसिंग पोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है डाउनस्ट्रीम। अभी आपको समझना है ये जो टर्म मैंने यूज़ किया इसके बारे में, बिकॉज ये जो टर्म है ये आपको अगर समझ में आ गया तो CTAP आपके लिए बहुत इजी होगा समझना। देखो डाउनस्ट्रीम का मतलब है, पहले तो स्ट्रीम समझो, स्ट्रीम का मतलब क्या है, स्ट्रीम का मतलब होता है छोटा जो रिवर, हम लोग रिवर को क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं, नॉर्मल जो नदी होता है वो रिवर होता है, और छोटा जो नदी होता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं, ओके। छोटा नदी को स्ट्रीम बोला जाता है, तो ये डाउन स्ट्रीम है। तो देखो ये हमारा अप है, ये डाउन है, तो डाउन नीचे की तरफ जब आ रहा है, नीचे की तरफ, तो डेटा ऊपर में ज़्यादा है नीचे कम है, इसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास लो पावर है, तब भी वो DFP को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब है, देखो लिख दिया है मैंने सोर्स डिवाइस, सोर्स मतलब क्या है, चार्जिंग एडाप्टर, आप चार्ज कर रहे हो, चार्ज किसके पास है, एडाप्टर के पास है, बैटरी के पास है, बैटरी को तो चार्ज करना है, तो एडाप्टर उस टाइम पे हो जाएगा मास्टर और आपका बैटरी हो जाएगा स्लेव, ठीक है। मैंने लिखा ए होस्ट और डाउनस्ट्रीम हब पोर्ट, ओके। ये होस्ट है, मास्टर है, लाइक IO मैंने लिखा मास्टर, बिकॉज मास्टर हम लोग को वो मास्टर स्लेव का जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था इसमें IO आपका था ना, इसलिए मैंने लिखा जिसके पास मोर इन्फॉर्मेशन है वो हो जाएगा मास्टर, जिसके पास लेस इन्फॉर्मेशन है वो हो जाएगा स्लेव। तो इस केस में जब भी DFP का बात आएगा, इसका मतलब होता है डाउनस्ट्रीम फेसिंग कोड, इसका मतलब जब DFP डिटेक्शन होता है, DFP इसका मतलब है CC लाइन के थ्रू DFP डिटेक्शन है, इसका मतलब है आपका सोर्स डिटेक्शन किया है, मतलब एक चार्जर डिटेक्शन किया है, वो पावर प्रोवाइड करेगा, पावर लेगा नहीं वो देगा, ठीक है। उसके बाद है UFP मतलब अपस्ट्रीम फेसिंग पोर्ट, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये डाउन था ये अप है, ये कंज्यूमिंग डिवाइस है। मैंने इधर पे छोटा सा एक नोट किया है, वो बाद में लिखा है इसलिए थोड़ा सा हो गया है, क्या करें, ठीक है, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको तो देना है ना। मैंने लिखा वी कैन एडजस्ट द आउटपुट करेंट बाय चेंजिंग द पुल डाउन रजिस्टर। मैंने बोला था जब भी आप कनेक्ट करोगे आपका जो क्या बोलते हैं बताओ आपका जो पोर्ट, तब भी एक हो जाएगा VCON, एक हो जाएगा क्या CC जो चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होगा, उधर पे एक रजिस्टर मैंने ड्रॉ किया था, ये तो पुल अप है, ये जो पुल डाउन है इसका रजिस्टर का वैल्यू को स्विच करके आप थोड़ा सा इंटरनेट में सर्च करना, इसका वैल्यू का रजिस्टर्स का डिटेल्स आपको मिलेगा। 5.1 किलो ओम लगाएंगे तो 200 से 500 मिली एम्पियर जाता है, 22 किलो लगाएंगे तो 1-2 एम्पियर जाता है। इसका मतलब जब वो सिंक करेगा, समझो आपने क्या क्या कंज्यूमिंग डिवाइस,
हमने क्या किया, सी टाइप से और एक लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया और मोबाइल को कनेक्ट कर दिया, उसे तो चार्ज करना है ना, तो वो तब क्या करेगा, वो तब पावर प्रोवाइड करेगा। और समझो सिंपल में समझ लो, आप एक पेन ड्राइव लगा रहे हो, उसको तो पावर चाहिए ना 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट किधर से आएगा, 5 वोल्ट तो बनाना पड़ेगा ना। और वो बनाना कब वो बनेगा, जब वो डिटेक्शन होगा, ये DFP नहीं है, ये UFP है, ये अपस्ट्रीम है, ये कंज्यूमिंग डिवाइस है, ये कंजम्पशन करेगा, ये खाएगा, ये देगा, ये खाएगा, ठीक है। ये डिवाइस और UFP स्ट्रीम हब पोर्ट, ये स्लेव और चार्जिंग IC मैंने ऐसे लिखा है, बिकॉज़ स्लेव, जब स्लेव के पास मोर इन्फॉर्मेशन है, पिन ड्राइव पे मोर इन्फॉर्मेशन है, आप कनेक्ट कर रहे हो कंप्यूटर के साथ, राइट है ना। तो ये क्या है, सिंक है, सिंक और सोर्स, यही आपको याद रखना है। जब भी सोर्स होगा तब वो DFP में जाएगा, जब वो सिंक होगा तब वो UFP पे जाएगा, UFP पे जब भी जाएगा तब 5 वोल्ट वो प्रोवाइड करेगा, और अगर चार्जिंग एक्सटर्नल बैटरी चार्जिंग है तो वो 20 वोल्ट प्रोवाइड करेगा थ्रू दैट USB पोर्ट, प्रोवाइड करेगा थ्रू USB पोर्ट, और ये चार्जिंग प्रोवाइड करेगा थ्रू USB पोर्ट। तो चार्जर हो गया मास्टर, स्लेव हो गया कौन, आपका बैटरी। इस केस में चार्ज आपका जो चार्जिंग IC मैंने लिखा है, बिकॉज उसके साथ रिलेट करते हुए, स्लेव कौन है, आपके पास जो डिवाइस है जो आप कनेक्ट करे हो, एक USB पेन ड्राइव, डेटा किसके पास जाना है, डेटा जाना है आपका कंप्यूटर में, ठीक है। सो ये अपस्ट्रीम हो गया, गुड। तो इसे ही बोले जाते हैं UFP एंड DFP। चलो अभी आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, अभी तो हो गया कम्युनिकेशन, अभी कम्युनिकेशन कौन करेगा, किसके साथ कम्युनिकेशन होगा, ये भी तो जानना है ना। फॉर लैपटॉप वी यूज़ 2.0 PD प्रोटोकॉल, इसका मतलब है हम लोग लैपटॉप के लिए 2.0 का PD का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, PD मतलब पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल। इट कैन यूज़ SPI कम्युनिकेशन, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों पढ़ा रहा था। SPI कम्युनिकेशन, I2C कम्युनिकेशन, R2C भी सिंक्रोनस होता है, UART कम्युनिकेशन, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ओके। इट मीन्स व्हेन वी कनेक्ट ए चार्जर, इट इनिशियल वीवर्स वोल्टेज इज 5 वोल्ट, जब हम नॉर्मली कनेक्ट करते हैं इनिशियल 5 वोल्ट रहे, बट आफ्टर कम्युनिकेटिंग टू द PD कंट्रोलर के साथ बात करने के बाद, कम्युनिकेशन करने के बाद, इट स्विच टू 20 वोल्ट थ्रू CC लाइन, बिकॉज CC ही डिटेक्शन पे आएगा, CC डिटेक्ट करेगा, CC लाइन से डिटेक्ट करेगा क्या, वो सोर्स है और सिंक है, DFP है, UFP है। जब वो DFP है तब वो क्या है, सोर्स है, अभी पढ़ाया ना, DFP सोर्स, UFP सिंक। तो DFP डिटेक्शन हो गया, इसका मतलब चार्जिंग जो आपका PD कंट्रोलर है उसके पास इंफॉर्मेशन गया, भाई ये तो चार्जर है, ये आपको चार्ज करने के लिए आया है, तो PD कंट्रोलर बोलेगा ओके मेरा प्रोटोकॉल है, आप 20 वोल्ट पे स्विच कर जाओ एट 2.5 एम्पियर, ओवर 20 वोल्ट 2.5 एम्पियर पे स्विच कर जाएगा, वही प्रोटोकॉल है, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन किसके साथ हो रहा है, ये तीनों में से किसी के साथ वो कम्युनिकेशन पे जाएगा, SPI हो सकता है, I2C कम्युनिकेशन होता है, ये SM बस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, और UART कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने लिखा देन द कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्स एंड सिंक हैपन थ्रू वन ऑफ द 3 प्रोटोकॉल्स, ये तीनों जो प्रोटोकॉल है इसको मानते हुए ये डिटेक्शन पे जाएगा, ये सोर्स है और सिंक है, ये करंट को कंज्यूम करेगा और करंट को डिलीवर करेगा, ठीक है। तो SPI कम्युनिकेशन हो सकता है, I2C कम्युनिकेशन होता है, UART कम्युनिकेशन होता है। ये अभी अभी ये क्या है, ये है CC लाइन, आप समझो अच्छे से समझो, ठीक है। जब आपको मैं ये डायग्राम दिखाऊंगा तब ये पूरा 100% क्लियर होगा, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बनाया है पूरा, तो जब ये डायग्राम दिखाऊंगा तब क्लियर होगा, बट अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, तभी वो इंटरकनेक्ट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे ही पूरा नोट को प्रिपेयर किया है, पार्ट 1 अब अच्छे से देख लो वीडियो का, पार्ट 2 आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो
पहले तो आपने चार्जर कनेक्ट किया और USB कनेक्ट किया, CC लाइन के थ्रू वो डिटेक्शन हुआ, आपने सही सीधा लगाया है उल्टा लगाया है, पहले CC लाइन और VCON के थ्रू वो डिटेक्शन हो गया। जब वो कनेक्शन हो गया उसके बाद CC लाइन के थ्रू वो डिटेक्ट करेगा, PD कंट्रोलर के पास वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, भाई वो क्या कनेक्ट हुआ है, वो सिंक है और सोर्स है, समझो वो सिंक कर गया, सिंक डिटेक्शन हुआ, इसका मतलब पेन ड्राइव डिटेक्शन हुआ, तो वो PD कंट्रोलर को जाके बताएगा भाई ये तो हमारा सिंक है। तो ये जो बताने का प्रोसेस वो CC से करेगा, CC लाइन के थ्रू, वो कौन सा कम्युनिकेशन पे करेगा, ये 3 कम्युनिकेशन के अंदर एक कम्युनिकेशन वो यूज़ करेगा, सेम चार्जिंग के लिए हो सकता है, जब आप कनेक्ट करोगे तब वो डिटेक्शन करेगा ये चार्जर है, ये क्या है, सोर्स है, तो सोर्स जो है वो पावर प्रोवाइड करेगा, तो PD कंट्रोलर के पास फिर से कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन से जाएगा और PD कंट्रोलर बोलेगा ये हाँ भाई ये तो चार्जर है तो 20 वोल्ट दे दो, मुझे चार्ज करना है बैटरी, वो 20 पे स्विच कर जाएगा 19 से। तो CC लाइन का इंपॉर्टेंस समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और SPI ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कम्युनिकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो SPI कम्युनिकेशन BIOS में होता है, ये इधर पे क्या कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखो समझ में ज़रूर आएगा। तो मैंने थोड़ा सा इधर पे और थोड़ा सा इसके बारे में मैंने लिखा है DAP UFP आर ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट कनेक्शन, आपका इसका मतलब है आपके पास DAP है और UFP है, आपके पास सोर्स है और सिंक है, डजेंट मैटर, आप ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट मतलब सीधा और उल्टा लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं करेगा, वो डिटेक्शन कर लेगा बाय CC लाइन, CC1 एंड CC2 के थ्रू, एक कनेक्ट कर जाएगा आपका किसके साथ, चैनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ, एक कनेक्ट कर जाएगा आपका VCON के साथ, ठीक है, दैट मीन वी कैन कनेक्ट ऑल वी कैन कनेक्ट एनी डिवाइस सिंक और सोर्स दैट कैन ईजिली डिटेक्टेड, कोई बात नहीं ऑब्वियसली डिटेक्ट करेगा, सॉरी बंगाली निकल रहा है चलो नाउ वी गो बैक टू CC पिन, CC पिन पे हम लोग वापस आते हैं, ठीक है, बिकॉज CC पिन पे बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल्स देना है, CC पिन के बारे में, CC पिन तो क्या है, CC पिन का नेम है चैनल कॉन्फ़िगरेशन, दिस पिन डिटेक्ट दैट एक नंबर वन पे सॉरी एक नंबर पे इट इज़ अ सिंक और सोर्स डिवाइस, ये क्या सिंक है और सोर्स है, ठीक है, केबल डिटेक्शन करेगा, ठीक है, सिंक और सोर्स, इसे केबल डिटेक्शन भी बोला जाता है मतलब आपने जो केबल लगाया है ये हो सकता है आपका USB है, ओके, हो सकता है आपका चार्जर है, इसे केबल डिटेक्शन बोला जाता है, और इसका मतलब सिंक और सोर्स, सोर्स मतलब एडाप्टर, सिंक मतलब पेन ड्राइव, ठीक है, मैंने एग्जांपल पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस DAP एंड UFP सेटेड, तो अगर आपका सिंक डिटेक्शन कर गया, ये आपको कमेंट करना है, ओके, मैं नहीं बताऊंगा, अगर सिंक ये डिटेक्शन कर गया तो UFP होगा और DAP होगा, कमेंट करना, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ आप कितना ये समझ पा रहे हो, ठीक है, कमेंट करना ज़रूर। ओरिएंटेशन डिटेक्शन, इसका मतलब कौन सा दिख से हमने कनेक्ट किया, वो देख नहीं सकता, उसके पास आई नहीं है, भाई सीधा लगाया, भाई PD कंट्रोलर के बता दे रहा है भाई सीधा लगाया है भाई ऐसा तो नहीं है, तो ओरिएंटेशन को भी डिटेक्ट करना है, भाई सीधा लगाया उल्टा लगा, वो भी CC से कनेक्ट करता है, समझो, ये पिक्चर पे चले जाओ थोड़ा सा, ये पिक्चर पे चले जाओ, देखो अगर ये CC कनेक्ट करेगा तो सीधा है, अगर ये CC कनेक्ट करेगा तो ये उल्टा है, हो गया ना, सिंपल है, ठीक है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, ओके, तो ओरिएंटेशन डिटेक्शन कर लिया, सिंक सोर्स डिटेक्शन कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आप DAP UFP सेट कर लिया, सो इफ CC1 यूज फॉर चैनल कॉन्फ़िगरेशन देन CC2 विल नॉट यूज फॉर कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब CC1 अगर चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए चला गया है, CC2 कभी भी चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए और नहीं जाएगा, ठीक है, CC2 बिकम VCON, इसके बारे में मैंने बाद में लिखा है डिटेल में, मैंने लिखा एंड CC2 कनेक्ट टू 5 वोल्ट पुल अप, अभी CC1 हो गया ना आपका, देखो इधर पे मैंने लिखा क्या,
जी CC1 कॉन्फ़िगरेशन चैनल पे चला गया। तो कॉन्फ़िगरेशन चैनल पे मैंने बताया था इधर पे, कॉन्फ़िगरेशन चैनल पे जो भी जाएगा उसका वोल्टेज ड्रॉप्ड हो जाएगा, बिकॉज ये और एक रजिस्टर से कनेक्ट करेगा जो रजिस्टर डिपेंड करता है, ये सोर्स है, सिंक है, ये सब ठीक है। तो ये हो गया आपका ठीक है। और ये जो CC2 है ये तो डायरेक्टली पुल अप हो जाएगा ना 5 वोल्ट के साथ। तो इधर पे वही मैंने क्लियर किया है ठीक है, किधर गया ये जो। सो इफ़ CC1 यूज़ फॉर चैनल कॉन्फ़िगरेशन, तो समझ लेते हैं हमारा जो कनेक्टर है वो हमने सीधा घुसाया, CC1 कनेक्ट कर गया चैनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो CC2 जाएगा चैनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ? कभी भी नहीं जाएगा। तो वो क्या होगा, ये मैंने लिखा CC2 विल नॉट यूज़ फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली, एंड CC2 कनेक्ट टू 5 वोल्ट पुल अप, 5 वोल्ट पुल अप से वो कनेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, 5 वोल्ट एक पुल अप के साथ। ये थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली, ये देखो। तो ये हो गया आपका CC1। CC2 क्या है, ये CC2 का लाइन है, आप समझो ऐसे एक रजिस्टर आया, ये CC2 है, ये इस पॉइंट है, ये 5 वोल्ट है, और ये CC1 था ठीक है। CC1 ये जो रजिस्टर है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है ये सोर्स और सिंक है वो, बिकॉज ये आपका डिवाइस के अंदर होता है ठीक है। तो पुल अप फॉर केबल पावर, इसका मतलब मैंने बोला था केबल में इलेक्ट्रॉनिक्स है, लिखा है मैंने, देखो केबल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर एट दिस टाइम CC2 बिकम बीकॉन, इसका मतलब 5 वोल्ट पुल अप आ जाएगा CC2 में जब CC1 डिटेक्शन पे चला जाएगा, और ये केबल का पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, जिसे हम लोग CC2 को बिकम हो जाएगा वो क्या, वो बीकॉन बन जाएगा ठीक है। तो एक आपका बीकॉन बनेगा, एक आपका CC2 चैनल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। मैंने लिखा नोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट में ये गया, ये एट दैट टाइम वो बीकॉन चला जाएगा, और नोट सो CC1 इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट वीबस वोल्टेज लेस देन 5 वोल्ट। तो जो CC1 है वो ही रिस्पॉन्सिबल हो गया, बिकॉज CC1 ही चैनल कॉन्फ़िगरेशन पे चला गया, वो ही डिटेक्शन करेगा ये सोर्स है और सिंक है। अगर सोर्स है तो ही वो PD कंट्रोलर को बताएगा थ्रू दैट कम्युनिकेशन, SPI हो, I2C हो और UART कम्युनिकेशन हो, थ्रू बताएगा PD कंट्रोलर को, PD कंट्रोलर उसे स्विच करने को इन्फॉर्मेशन देगा, जो चार्जर स्विच करके 5 वोल्ट से 20 वोल्ट बनाएगा। और ये जो मैंने लिखा है CC1 इज़ रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट क्रिएट द वीबस, यही है। और इसका मैंने लिखा है लेस देन 5 वोल्ट, मैंने इधर पे दिखाया CC1 अभी हो गया था, इसका तो पॉइंट है CC2, ये है CC1। तो CC1 क्या हुआ आपका, CC1 हो गया ना चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़। तो चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब भी यूज़ होगा ये तो 2 रजिस्टर से कनेक्टेड है और 1 रजिस्टर ग्राउंड पे है, तो वो 5 वोल्ट से लो हो जाएगा। ये मैंने लिखा इस पॉइंट पे आपको लो 5 वोल्ट से लो मिलेगा। तो इस मदरबोर्ड में मैंने कल रात को बैठ के थोड़ा सा मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, बट मुझे नहीं मिला। इधर पे जो पिन्स है ये सब पिन नहीं है, इसके अंदर भी पिन्स है, उसमें आपका CC का कॉन्फ़िगरेशन था। अगर वो मिल जाता बाहर में आपके पास, अगर ऐसा मदरबोर्ड है जिसमें आपको पूरा ऑल 24 पिन आपका सोल्डर दिख रहा है, ऐसा नहीं है इस मदरबोर्ड में, तो आपको दिखेगा एक पिन आपका CC1 के लिए होगा, एक पिन VCON के लिए होगा, जब भी आप कनेक्शन करोगे एक पिन पे 5 वोल्ट मिलेगा, एक पिन पे 5 वोल्ट से लेस मिलेगा ठीक है। इधर पे लिखा वाइस वर्सा, मतलब ये अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट का मतलब अगर इफ CC1 के जगह CC2 चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होगा, देन CC1 नॉट विल बी यूज़ फॉर चैनल कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज CC2 बन गया चैनल कॉन्फ़िगरेशन। अभी तले CC1 क्या होगा, CC1 कनेक्ट कर जाएगा पुल अप से, एंड पुल अप हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर के लिए 5 वोल्ट, और यही बन जाएगा VCON। तो ये जो अगर आप सीधा लगाओगे तो CC1 जो है वो आपका चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए चला जाएगा, CC2 चला जाएगा VCON के लिए। आप ऑपोजिट लगाओगे तो CC1 हो जाएगा चैनल कॉन्फ़िगरेशन और CC2 हो जाएगा VCON के लिए। इसका मतलब इससे वो डिटेक्शन देख रहा है ना जो कौन सा ऑरिएंटेशन पे आप कनेक्ट किए हो, ठीक है, गुड इनफ। गुड, आफ्टर CC1 इज कॉन्फ़िगर्ड देन इट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग यूजिंग पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल। CC1 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल से वो PD कंट्रोलर से बात करता है, पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल विद दी PD कंट्रोलर IC, PD कंट्रोलर से वो पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल में बात करता है, जो भाई ये चैनल कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, ये सोर्स है और सिंक है, एंड सेड द पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल। इसका मतलब अगर आपका सोर्स
डिटेक्ट हुआ है, सिंक डिटेक्ट हुआ है तो 5 वोल्ट बना देगा क्या। और बट अगर आपका सिंक डिटेक्शन नहीं होके सोर्स डिटेक्शन किया है, इसका मतलब है उसे पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल को सेट करना है ना, इसका मतलब कितना वोल्टेज कितना करंट चाहिए उसको वो बताना होगा चार्जर को, ठीक है। लैपटॉप बताएगा चार्जर को, अभी देखो हाउ मच वोल्टेज द डिवाइस नीड विथ हाउ मच करेंट, कितना वोल्टेज चाहिए कितना करेंट चाहिए। मैंने इधर पर एक समझो ये लेट करते, ठीक है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं मैक्सिमम पावर से 50 वाट चाहिए, ओके, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। सो इट सेज आई नीड 50 वाट पावर टू चार्ज द बैटरी थ्रू द चैनल कॉन्फ़िगरेशन पिन। चैनल कॉन्फ़िगरेशन पिन के हेल्प से आपका लैपटॉप चार्जर को बोलेगा मुझे 50 वाट पावर दो, मुझे बैटरी चार्जिंग करना है। सो PDIC नोज दैट 50 वाट ऑफ पावर इज नीडेड टू स्टार्ट द चार्जिंग द बैटरी। एंड व्हेन PD कंट्रोलर रिसीव द एक्नॉलेजमेंट, चार्जर के थ्रू जो एक्नॉलेजमेंट आता है वो अगर जब रिसीव हो जाए, इट कमांड द चार्जर टू स्विच द वोल्टेज विवास डिटेक्शन 5 वोल्ट इंटू 20 वोल्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से अच्छे से देखो, मैक्सिमम पावर मैंने बोला PD कंट्रोलर, अभी CC1 डिटेक्शन हो गया चैनल कॉन्फ़िगरेशन एज ए सोर्स, इट स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग यूजिंग पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल विद द PD कंट्रोलर IC के साथ वो बात करना चालू कर दिया है। क्या बात करेगा, सेट करेगा वो PD पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल को सेट करेगा। क्या सेट करेगा, हाउ मच वोल्टेज एंड हाउ मच करंट वी नीड। हम जानते हैं हमारा जो पावर है, पावर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो होता है वोल्टेज इनटू करंट, ये होता है हमारा वाट, ठीक है, DC पावर, ठीक है। तो कितना वोल्टेज कितना करंट चाहिए वो इसको वो जानना चाहता है, ठीक है। अभी मैक्सिमम पावर समझ लो 50 वाट चाहिए उसे। सो इट से आई नीड 50 वाट ऑफ पावर टू चार्ज द बैटरी थ्रू द चैनल कॉन्फ़िगरेशन पिन। चैनल कॉन्फ़िगरेशन पिन के हेल्प से वो चार्जर के साथ कम्युनिकेशन करेगा, फर्स्ट। सेकंड, सो PDIC इज नोज दैट 50 वाट ऑफ पावर इज नीडेड टू स्टार्ट द चार्जिंग द बैटरी। स्टार्ट करना बैटरी को चार्जिंग स्टार्ट करने के लिए 50 वाट ऑफ पावर उसको नीडेड है, ओके। एंड व्हेन PD कंट्रोलर रिसीव द एक्नॉलेजमेंट, PD कंट्रोलर जब रिसीव करेगा एक्नॉलेजमेंट, मतलब हाँ भाई आप कर सकते हो, PD कंट्रोलर, ठीक है, इट कमांड द चार्जर, PD कंट्रोलर बोलेगा चार्जर को भाई आप स्विच करो 5 वोल्ट से 20 वोल्ट पे, बिकॉज इसको ये वोल्टेज चाहिए ये करेंट चाहिए। दिस इज द 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट वीवा स्विचिंग लॉजिक। तो स्विचिंग लॉजिक जो मैं सब लोग जो इसके पीछे बहुत 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 मुझे कमेंट आया है, भाई 5 वोल्ट से 20 वोल्ट 20 वोल्ट का स्विचिंग समझा दो, यही स्विचिंग है। स्विचिंग जब होगा तब पहले तो डिटेक्शन होगा CC पिन के थ्रू जब डिटेक्शन होगा तब वो PD कंट्रोलर के थ्रू कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोटोकॉल सेट करेगा पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल, उसके बाद वो चार्जर को बताएगा, चार्जर उसको एक्नॉलेज करके वो वोल्टेज को स्विच करेगा। इसका ही मैंने पूरा डायग्राम प्रॉपरली बनाया है एवरीथिंग सब कुछ करके, तो इसके बारे में आप नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें जानेंगे। तो राइट नाउ ये जो पार्ट है ये यही तक है, मैंने देखो 2 लाइन खींच के रखा है इधर से, और हमारा सेकेंड पार्ट चालू होगा जिधर पे हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के बारे में सोच जानेंगे, डायग्राम के बारे में जानेंगे, उसके बाद OTG जो है, जो इसका मतलब 5 वोल्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानेंगे, बग बूस्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद कॉमन इश्यूज़ के बारे में जानेंगे, एंड हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे हमारा जो हमारे पास जो क्या है बताओ डेटा शीट्स है, चार्जिंग IC हमारा जो PD कंट्रोलर उसका, ठीक है। तो ये वीडियो में अभी यही था, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बाकी जो है इन्फॉर्मेशन वो मिलेगा। तो आपको क्या क्या मिला, पूरा क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, पिन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पिन का डिटेल्स
क्या क्या डिटेल्स है पिन का, ठीक है, कौन सा पिन इंपॉर्टेंट सबसे है चार्जिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग एसिंक्रोनस सिंक्रोनस यूज़ करते हैं, तो एसिंक्रोनस कौन सा होता है, सिंक्रोनस कौन सा है, यूवर्ट के बारे में हम लोग पढ़ लिए, एसएमबस के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद यूवर्ट जो है और हमारा जो नॉर्मल जो एसपीआई कम्युनिकेशन है वो सीरियल एंड पैरेलल डेटा को कैसे ट्रांसमिट करता है उसके बारे में मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद यूवर्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में गया, उसके बाद मैंने यूएफपी डीएफपी को समझाया जो सोर्स और सिंक डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, उसके बाद मैंने पीडी बंटू कंट्रोलर का जो प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उसे समझाया है, उसके बाद सीसी लाइन को समझाया, सीसी लाइन कैसे डिटेक्शन करता है, कैसे ओरिएंटेशन डिटेक्शन करता है, कैसे वो डीएफपी यूएफपी का कंट्रोल करता है, कैसे सिंक और सोर्स को डिटेक्शन करता है, और जब वो कनेक्शन कर लेता है तब एक सिंक होता है, एक आपका चैनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक आपका हो जाता है वीकॉन, इसके बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद मैंने बताया कैसे वो चैनल कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने के बाद वो पावर डिलीवरी प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए वो 5 वोल्ट से 920 वोल्ट को स्विचिंग कराते हैं, स्विचिंग का लॉजिक कैसे बनता है, ठीक है। तो ये वीडियो में आपको ये मिल गया, अभी ये वीडियो मैं पॉज कर रहा हूँ और इधर पर क्लोज कर रहा हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप देखना कैसे ये लॉजिक वगैरह आगे जाता है, कैसे बाकी काम होता है, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो आपने इधर पे सीखा है, ठीक है। तो और थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए जिसके बारे में मैं बाकी वीडियो में बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्यों मैं दो पार्ट में ये वीडियो को बना रहा हूँ, बिकॉज़ ये टॉपिक बहुत बड़ा है, एक साथ अगर पूरा इंट्रोडक्शन पूरा सब कुछ आपको मिल जाएगा तो आपको एक साथ डाइजेस्ट करना प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूँ, इसलिए मैं दो भाग में वीडियो को बांट रहा हूँ, अभी डेढ़ घंटे का ये वीडियो बना है और मोस्ट प्रोबेबली और एक डेढ़ घंटा लगेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उसे सबसे जल्दी बहुत ही फास्ट वे में आपको समझा दूँ, जिससे आपको टाइम भी बचे और आपको लॉजिक भी समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अभी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिधर से हम लोग ब्लॉक डायग्राम से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम, ओके, चलो बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating.